फिल्म की शुरुआत भविष्य में किसी अननोन समय में विल से होती है, जो एक नासा पायलट उसे एबी से एनर्जी कंपनी अल्ट्राप्लेक्स की तरफ से जॉब ऑफर करती है, जहां उसे उनके टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, जिसके लिए उसे मुंह मांगी रकम के साथ साथ उसके भतीजे के लिए भी वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर की जाएगी, जो मासूम बचपन में ही अपने पिता को खोने के बाद से सदमे से जूझ रहा है। जाहिर तौर पर विल के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि इससे उसकी बहन को भी कभी काम नहीं करना पड़ेगा और कंपनी तीनों का रिलोकेशन का खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हो जाती है। जॉब के पहले दिन एबी उसे उनका क्लासिफाइड प्रोजेक्ट की जानकारी रिवील करती है कि अल्ट्राप्लेक दशकों से न्यू एनर्जी सोर्स की तलाश में था और इवेंचुअली वो एडवन विटिन के एम थियरी को परफेक्ट करने में सफल रहे, जिसकी मदद से वो मैटर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। उनका एनर्जी टावर अपने यूनिवर्स का मिरर्ड यानी के पैरेलल एक ही इको यूनिवर्स को जन्म देगा, जहां सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा सिवाय कि उस प्लेनेट पर लाइफ नहीं होगा, जिसके लिमिटलेस मैटर को पावर में बदला जा सकता है। वो एनर्जी टावर्स कंडक्टर की तरह काम करेंगे, जो इको प्लेनेट के मैटर को प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में बदलकर ओरिजिनल अर्थ की तरह पोर्टल के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, और यदि वो इसमें सफल रहे तो उन्हें अगले अरबों साल तक पावर सोर्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसका काम सिर्फ पॉड के थ्रू इको प्लेनेट पर जाकर उस क्यूब को इको प्लेनेट के टावर को प्लग करने का है, जिसकी जरूरत तभी पड़ेगी अगर दोनों यूनिवर्स के बीच किसी भी तरह का इम्बैलेंस ट्रिगर हुआ, जिसे बैलेंस करने में वो क्यूब मदद करेगा। पर न्यू लग्जरी हाउस और भतीजे को वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बावजूद उसकी दिमागी हालत नहीं सुधरती, क्योंकि नए शहर में उसका मन और भी नहीं लगता और वो और भी उदास रहने लगता है। इसलिए विल को चिंता होने लगती कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। उसकी बहन को भी घर लौटना होता है, पर वो अपने भाई की सफलता के बीच नहीं आ सकती, क्योंकि अब तक विल ने उनके लिए बहुत सैक्रिफाइस किए, इसलिए कुछ ना कहना ही सही समझती है। वहीं आज वो दिन है जब एनर्जी टावर्स को एक्टिवेट किया जाएगा, इसलिए विल बेचैन होने लगता है। टावर के ट्रिगर करते ही थोड़ी देर के लिए पूरी धरती कांप उठती है, पर भाग्य से कुछ नुकसान नहीं होता और प्रोजेक्ट सफल साबित होता नजर आता है। पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, शहर भर में अजीब घटना घटने लगती है। हवा में ही कई विमान और दूसरे ऑब्जेक्ट्स अचानक में ही गायब होने लगते हैं। इसे देख एक उग्रवादी ग्रुप कॉल्ड रेबेल जन्म लेता है, जिनका मानना है कि ये सारी घटना उन एनर्जी टावर से जुड़ी है जो धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए टावर को शटडाउन करने का अल्ट्राप्लेक्स को धमकी देते हैं, वरना वो खुद से कोई ठोस कदम उठाएंगे। वहीं विल चाहे जितना भी कोशिश कर ले, पर उसके भतीजे का दिल यहां नहीं लगता। विल के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है, इसलिए अगले ही दिन जॉब क्विट करके अपने देश लौटने का तय करता है। पर उसका दुर्भाग्य कि उसी दिन टावर के कारण कोई भयंकर रिएक्शन ट्रिगर होता है, इसलिए अल्ट्राप्लेक्स के गार्ड उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, जिसके सीधे बाद विल की आंखें उसी पॉड में खुलती है, जहां वो वर्म होल पोर्टल के थ्रू होते हुए उसी इको प्लेनेट के लिए निकला होता है। इको प्लेनेट पहुंचने पर वो सच में एग्जैक्ट कॉपी निकलता है, सेम लैब लोकेशन जहां से उसने शुरुआत की थी, सिवाय एक डिफरेंस के कि यहां की रिटर्न शब्द मिरर्ड नजर आती है। पर कुछ तो यहां भयंकर घटा, जिसके कारण उसे हर जगह साइंटिस्ट की लाश दिखाई देती है। पॉड से वही क्यूब कलेक्ट करके बाहर कदम रखने पर उसे बहुत ही डरावना मंजर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता और चारों तरफ लाशें बिछी होती है। वो एबी से समझने के लिए उसे कॉन्टेक्ट करता है, पर वो कनेक्शन इको वर्ल्ड के एबी को कनेक्ट हो जाता है, जो विल की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि न्यूज के अनुसार लैब अटैक में वो मारा गया था, जिसके साथ वो क्यूब भी नष्ट हो गया। पर एबी को खबर नहीं है कि ये विल ओरिजिनल अर्थ के वर्जन से बिलोंग करता है। एबी का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद विल अब अपने इको वर्जन के परिवार को रीच आउट करने की कोशिश करता है, पर हर बार कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। पर विल क्यूब को इको वर्ल्ड के टावर तक ले जाने के लिए अपना मिशन जारी रखता है। वो जितना टावर के करीब पहुंचता है, उसे टावर उतना ही वायलेंट नजर आता है। न्यूज से उसे कंफर्म हो जाता है कि रेबल्स ने अल्ट्राप्लेक्स के लैब पर अटैक किया था, जिसके कारण अथॉरिटीज और उनमें क्योस मच गया, इसलिए सरकार को शहर में कर्फ्यू घोषित करना पड़ा और मदद के लिए अल्ट्राप्लेक्स के गार्ड्स और ड्रोन्स को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया। और उसी दौरान आसमान से गिरते कार्गो शिप और एक पोर्टल जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल रहा होता है उसे नजर आता है, जिसे देख विल तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर टावर के ग्रेविटेशनल एनोमली के कारण जगह जगह पोर्टल्स ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए हर जगह जहाज और पंछियों की लाश नजर आती है। इतना कम नहीं था कि अब रेबेल्स के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए विल अपनी जान बचाकर भाग पड़ता है, पर उसमें से एक उसे धर लेता है। पर विल उसे पहचान जाता है कि वो अल्ट्राप्लेक्स का ही गार्ड माइकल है, जो अब रेबेल के ग्रुप में शामिल हो गया जब उसे पता चला कि टावर धरती को नष्ट कर रहा है। पर माइकल को बिल्कुल भी खबर नहीं कि अल्ट्राप्लेक्स के टावर ने आखिर किया क्या।
और वो खुद भी दरअसल ओरिजिनल अर्थ का कॉपी है। इनफैक्ट सिर्फ वो ही नहीं, धरती पर किसी को भी नहीं पता सीवाय अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के। वहीं वो इससे भी बेखबर है कि विल ओरिजिनल अर्थ से बिलोंग करता है। इससे पहले कि विल उसे सब समझाए, अल्ट्राप्लेक्स के ड्रोन उसे घेर लेते हैं और विल को क्यूब के साथ आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर तब तक एक और भयंकर ग्रेविटेशनल एनोमली ट्रिगर होने लगता है, जिसके डर में ड्रोन्स भाग निकलते हैं और देखते ही देखते पूरा का पूरा मेट्रो ट्रेन और हजारों में मरे पंछी आसमान से बरसने लगते हैं। उस परिस्थिति से निकलने के बाद विल फाइनली माइकल को सब समझाता है और तभी विल को भी चमकता है कि आखिर एको प्लेनेट पर लाइफ ने कैसे जन्म लिया। वो इसलिए क्योंकि ओरिजिनल प्लेनेट पर भी रेबल्स ने उनके लैब पर अटैक किया, जिसके कारण उनका मशीन मैलफंक्शन हो गया और सिर्फ लाइफलेस यूनिवर्स को क्लोन करने के बजाय मशीन ने धरती का ट्रू कॉपी लाइफ के साथ तैयार किया और अब यूनिवर्स दोनों प्लेनेट के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जब जब एको प्लेनेट कुछ खो रहा है, इसी के कारण ओरिजिनल प्लेनेट से विमान और अन्य ऑब्जेक्ट्स गायब होकर इसी प्लेनेट पर दिखाई दे रहे हैं। विल माइकल को समझाता है कि वो क्यूब ही उनका एकमात्र सहारा है इसे फिक्स करने के लिए, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द टावर पहुंचना होगा। पर तब तक एको वर्जन की एबी विल को ट्रैक डाउन करके उसे उनके अल्ट्राप्लेक्स के सीईओ के पास चलने की विनती करती है, पर विल अपने मिशन पर होता है इसलिए जाने से इनकार कर देता है। ऊपर से ड्रोन्स रेबल्स के खोज में उन पर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए उन्हें कार हाईजैक करके भागना पड़ता है। पर ड्रोन अब भी उनके पीछे, उससे पीछा छुड़ाने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है, पर ग्रेनाइट अटैक में वो उसे ढेर करने में सफल हो जाते हैं। रिकवर करने के बाद विल एबी को भी उनके मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है और अब तीनों भी टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। ड्रोन्स की नजरों से बचते हुए मॉल्स के थ्रू होते हुए उन्हें एक भयानक ही मंजर नजर आता है, जहां आसमान से गिरे प्लेन क्रैश में मरे हुए की लाश बिछी मिलती है। पर ड्रोन्स उन्हें फिर से खोज निकालता है। उनके गार्ड से किसी तरह छुटकारा पाने के बाद आगे एक और ड्रोन उन्हें घेर लेता है और अब उसे नष्ट करने की कोशिश में विल बुरी तरह से घायल हो जाता है। माइकल विल को तुरंत अपने ग्रुप के सीक्रेट कैंप ले जाता है, जहां उसे हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट से ट्रीट करने के बाद रेबल्स के लीडर को जब खबर लगती है कि विल भी अल्ट्राप्लेक्स का ही एक मेंबर है, वो उसकी जान लेने पड़ता है। पर तब तक ड्रोन्स धावा बोलते हैं और मौके का फायदा उठाकर तीनों फिर से बैक साइड के रास्ते भाग निकलते हैं। पर जब एबी को पता चलता है कि विल के पास भी वही क्यूब है जो उनके पास भी था, जो उन्होंने रेबल्स के अटैक में खो दिया, तब वो रिवील करती कि वो कोई फिक्सिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक किल स्विच है, जिसे आखिरी सहारे के लिए डिजाइन किया था यदि यूनिवर्स के बीच बैलेंस नहीं बना। यानी कि विल को दोनों यूनिवर्स को बचाने के भेस में एक्चुअली में एको यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था, ताकि सिर्फ ओरिजिनल यूनिवर्स सर्वाइव कर सके। विल को यकीन नहीं होता कि ये वो क्या सुन रहा है, यानी कि उसे अब दोनों यूनिवर्स में से किसी एक को चुनना होगा। वो एबी पर भड़क जाता है और तुरंत अपने इको फैमिली वर्जन की सलामती के लिए घर की तरफ भाग पड़ता है। और अब तीनों को रास्ते में नजर आता है कि कैसे इको प्लेनेट पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। वहीं उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर उसका इको फैमिली इस प्रलय के प्रकोप में मारे गए। इतना कम नहीं था कि धोखेबाज एबी अल्ट्राप्लेक्स को उसकी खबर कर देती है और अब दोनों भी उनके हाथ लग जाते हैं। अल्ट्राप्लेक्स के सीईओ से मिलने पर विल को पता चलता है कि इको वर्जन के अल्ट्राप्लेक्स का प्लान भी ओरिजिनल यूनिवर्स को खत्म करने का था यदि उन्होंने उनका क्यूब नहीं खोया होता। वो विल के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखते हैं कि वो उनके प्लेनेट को नष्ट करने के बजाय यदि ओरिजिनल प्लेनेट को नष्ट किया तो वो यहाँ उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भर देगा। पर विल ने ओरिजिनल यूनिवर्स यानी कि अपने ओरिजिनल परिवार को बचाने का ठान लिया होता है, इसलिए मौका मिलते ही माइकल को सबसे पहले सचेत करके प्लेन के हैच को अनलॉक कर देता है, जिससे माइकल को छोड़कर सभी बाहर खींच लिए जाते हैं और विल प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। पर भाग्य से वो बच जाता है और अल्ट्राप्लेक्स के चंगुल से माइकल को बचाकर दोनों भी टावर के लिए निकल पड़ते हैं। माइकल भी अब विल का साथ देता है इको प्लेनेट को नष्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी ये प्लेनेट अब रहने लायक नहीं रही। पर ड्रोन्स उनके नाक का दर्द बन जाते हैं, इसलिए विल चतुराई से उनकी सिस्टम को हैक करके एक दूसरे को ढेर करने के लिए प्रोग्राम कर देता है और इवेंचुअली वो दोनों टावर जोन तक पहुंच जाते हैं। पर मंजिल पाने से पहले ही माइकल शहीद हो जाता है। वहीं विल के पास शोध मनाने का समय नहीं, वो टावर का कंट्रोल यूनिट खोज निकालकर क्यूब को प्लग कर देता है। पर उसके बटन प्रेस करने से पहले एबी उसे घायल कर देती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जीना चाहती है। पर विल अपने आखिरी सांस में भी हिम्मत जुटाकर मौका मिलते ही बटन को प्रेस कर देता है और अब एको यूनिवर्स पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। ओरिजिनल वर्ल्ड में विल के परिवार को जरा भी भनक नहीं कि उसके भाई ने उनकी और कईयों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी और ओरिजिनल यूनिवर्स का टावर भी हमेशा के लिए शटडाउन होने पर मूवी यहीं
एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।